अजीज़ तालिबा अस्सलाम वालेकुम। हम अपने दरसी किताब का जो पहला सबक है उसको पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने उसका एक हिस्सा पढ़ लिया है और आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। कल ही की तरह या पिछली वीडियो की तरह मैंने इसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक पेन से लिखा है। हर लफ्ज़ के मानी उसके नीचे रेड पेन से लिखे गए हैं और ब्लू पेन से इसका तर्जुमा लिखा गया है। आइए देखते हैं कि पहला जुमला क्या है। अलम तरा अन्नल्लाह अनजला मिनस समाई माअन। आ मतलब क्या, लम मतलब नहीं, तरा मतलब तुमने देखा। तरा जो है तो वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सीगा है। अन्ना मतलब के बेशक, अल्लाह अल्लाह ने, अनजला नाजिल किया। अनजला जो सीगा है वो है माजी का जो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है। मिन मतलब से, असमाई मतलब आसमान, माउन मतलब या मान यहाँ पे है पानी। अल्लाह के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़बर लगा है उसके आखिरी हर पर, इसलिए कि ये अन्ना के बाद में आ रहा है। तो अन्ना या इन्ना के बाद में आने वाला इस्म हमेशा हालत नस्ब में होगा और उसके आखिरी हर पर ज़बर लगेगा। असमाई के आखिरी हर पर आप देख रहे हैं कि ज़ेर है, इसलिए कि हरफे जर के बाद आ रहा है। और मान अनजला का मफूल भी है और मफूल भी हमेशा हालत नस्ब में आता है और हालत नस्ब में आने वाले इस्म के आखिरी हर्फ पर हमेशा एक ज़बर या दो ज़बर लगेंगे। तर्जुमा क्या है इसका, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी नाजिल किया। यहाँ पे अल्लाह ताला अपने एहसान गिना रहा है और एहसान उसका सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने आसमान से हमारे ऊपर पानी नाजिल किया और पानी से ही दुनिया के तकरीबन तकरीबन तमाम काम हमारे चल रहे हैं। दूसरा जो जुमला है, अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैका। अहसिन फेले अम्र है मतलब भलाई करो, कमा मतलब जैसा के, अहसना भलाई की, अहसना फेले माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सीगा है। अल्लाहु अल्लाह फ़ाइल है अहसना का। इला इलई का ये दो लफ्ज़ है, इला और का, तो इला मतलब होता है तरफ और का मतलब तुम्हारे। तर्जुमा होगा इसका, भलाई करो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हारे साथ एहसान का मामला किया है उसी तरह तुम दूसरे लोगों के साथ भी एहसान का मामला करो। नवा जो जुमला है, इन्नका लन तखरीकल अर्ज़ा वलन तबलुगल जिबाला तूला। इन्ना मतलब बेशक, का मतलब तुम। इन्ना के बाद जो इस्म आएगा वो हमेशा हालत नस्ब होगा, इसीलिए यहाँ पे जो ज़मीर इस्तेमाल हुई वो हालत नस्ब वाली हुई है। लन मतलब हरगिज़ नहीं, तखरीका मतलब फाड़ सकते, अल अर्ज़ा ज़मीन को। अल अर्ज़ा ये देख रहे हैं आप कि इसके आखिरी हर्फ पर ज़बर है, इसलिए कि हालत नस्ब में है और हालत नस्ब में आने की वजह यह है कि यह तखरीका का मफूल भी है। वा मतलब और, लन मतलब हरगिज़ नहीं, तबलुगा मतलब पहुंच सकते, अलजिबाला पहाड़ों को या पहाड़ों पर। अलजिबाला ये देख रहे हैं आपके हालत नस्ब में, इसलिए कि यह तबलुगा का मफूल भी है। तूलन बुलंदी में। तर्जुमा क्या होगा इसका, बेशक तुम हरगिज़ नहीं ज़मीन को फाड़ सकते और ना ही पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। ये जो आयत है वो ऐसे लोगों के बारे में है जो अपने आप में बहुत घमंड करते हैं और घमंड की वजह से ज़मीन पर पाँव मार मार के चलते हैं और गर्दन अकड़ा के चलते हैं। तो अल्लाह ताला उनको कह रहा है कि तुम ज़मीन पर पाँव तो मारते हो लेकिन तुम्हारी अकड़ की वजह से तुम ज़मीन पे जो पाँव मारते हो उससे ना ज़मीन फटेंगी और तुम्हारी जो गर्दन अकड़ी है तो तुम अपनी गर्दन कितनी भी अकड़ा लो लेकिन अपनी गर्दन अकड़ने की वजह से तुम पहाड़ों की बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि पहाड़ तुम्हारी से कई ज़्यादा ऊंचे हैं। यानी ये कि तुम अल्लाह ताला की एक अदना सी मखलूक हो, एक
मामूली सी मखलूक हो, इसलिए घमंड तुमको जेब नहीं देता, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। अगला जो जुमला है, इन्नल मुबज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन। इन्ना मतलब बेशक, अल मुबज़िरीन मतलब फजूल खर्च करने वाले, कानू मतलब है और थे, दोनों से इसका तर्जुमा कर सकते हैं। एक्चुअल में इसका तर्जुमा था ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जुमले के लिहाज से हम इसका है से कर दे तर्जुमा। इख्वान मतलब अखुन मतलब भाई, इख्वान उसकी जमा होती है। अशयातीन शैतान की जमा है, शयातीन। इन्ना के बाद मुबज़रीन आ रहा है, मुबज़रीन हालत नस्ब में है, इसलिए कि ये इन्ना के बाद में आ रहा है। इन्ना के बाद आने वाला इस्म हमेशा हालत नस्ब में रहता है। कानू ये फेल है, इख्वाना अशयातीन ये इसका इस्म बनेगा। कानू जो है वो आम फेल की तरह नहीं होता है, बल्कि ये एक फेल नाकिस है, इसलिए इसका जो इसकी जो खबर होती है, यानी इसके बाद के जो आने वाले इस्म की बारे में कोई चीज़ अगर बताई जाए तो वो हमेशा हालत नस्ब में होती है। तो आप अभी नोट कर लीजिए कि काना की खबर, काना फेल की खबर हमेशा हालत नस्ब में रहेंगी, इसलिए इख्वान के आखिरी हर पर हम देख रहे हैं कि ज़बर है। अशयातीना अशयातीन इख्वान का मुजाफ इलय है, इसलिए ये हालत जर में है। तर्जुमा होगा इसका, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। यानी अल्लाह ताला यहाँ पे हमको कह रहा है कि फजूल खर्ची से हमें बचना है, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। अगला जो जुमला है, इजतनिबू कसीरम मिनत जन्नी। इजतनिबू फेले अम्र है, मतलब बचो, बच कर रहो। कसीरन इसका मफूल भी है, यानी बहुत से। मिन मतलब से, अजन मतलब होता है गुमान, यानी बहुत सी बदगुमानियों से बचो। यानी हमें दूसरों के ताल्लुक से बदगुमानी कायम नहीं करना है, बल्कि अगर आपको किसी के ताल्लुक से कोई बदगुमानी हो तो उससे क्लियर कर लें, ताकि आपके दिल में उसके ताल्लुक से कोई नफरत ना रहे। अगला जुमला है, वला तासव फिल अर्जी मुफसिदीन, और ना फसाद करो। में फी मतलब में, अल अर्जी ज़मीन, मुफसिदीना फसादी बनकर। ला तासव फेले नहीं है, फी हर्फ जर है, इसलिए इसके बाद के आने वाला इस्म हालत जर में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ौत पर हमने ज़ेर लगाया। मुफसिदीना ये हालत नस्ब में है इस्म, इसलिए कि ये हालत बताने के लिए आ रहा है। अगर कोई इस्म किसी भी इस्म की हालत बताने के लिए आए तो हम उसे हालत नस्ब में रखते हैं, और उसे ग्रामर की ज़बान में हाल बोलते हैं। तो जब भी कोई इस्म हाल बनकर आएगा जुमले में, तो वो हालत नस्ब में रहेगा, और उसके आखिरी हर्फ पर अगर वो वाहिद है तो एक ज़बर या दो ज़बर लगेगा। यहाँ पे वाहिद नहीं है बल्कि जमा सालिम है, इसलिए इसे जमा सालिम की जमा आप देख सकते हैं। यहाँ पे तर्जुमा क्या होगा उसका, और ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो। यहाँ पे दो बार जो फेल है उसमें भी फसाद का लफ्ज़ है, और आखिरी में हाल में भी फसाद का लफ्ज़ है, यानी खूब खूब फसाद ना फैलाते फिरो। लेकिन यहाँ पे हम उर्दू में इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं लफ्ज़ों को, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक बार ही फसाद का इस्तेमाल किया है, और ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो। आखिरी जो जुमला है वो एक तरह की दुआ है, जिसमें हम कह रहे हैं कि रब्बना ऐ हमारे रब, रब मतलब रब और ना मतलब हमारे, ऐ हमारे रब। अतमिम तू पूरा कर दे, ये भी एक फेल अम्र है, इसलिए हम इसका तर्जुमा करेंगे पूरा कर दे। लना ला या ली मतलब होते हैं लिए, और ना मतलब हमारे, यानी हमारे लिए। नूराना नूर मतलब नूर, और ना मतलब हमारे, हमारे नूर को। नूरा के जो आप देख रहे हैं रा के ऊपर आया है ज़बर, इसलिए कि ये मफूल भी बन रहा है अतमीम का, यानी अतमीम का मफूल भी नूर है, इसलिए ये हालत नस्ब में, और हालत नस्ब में आने की वजह से इसके आखिरी हर्फ पर ज़बर आया। वाह मतलब और, इग़फ़िर
मगफिरत कर दे, ये भी फेले अम्र है, लना हमारे लिए। तर्जुमा होगा इसका, ऐ हमारे रब हमारे लिए हमारे नूर को मुकम्मल कर दे और हमारी मगफिरत फरमा, यानी हमें जो हिदायत का नूर है उसे मुकम्मल मुकम्मल अता फरमा और हम उसके ज़रिए उस हिदायत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमारी मगफिरत फरमा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सबक जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।